अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सोन हलवे की रेसिपी, जिसे हम अखरोट का हलवा भी कहते हैं, हबशी हलवा भी कहते हैं, मुल्तानी हलवा भी कहते हैं। तो जो आपको सूट लगे वो आप नाम इसका रख लें, लेकिन आज जो है वो मैं बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, सारी टिप्स दूंगी आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आपने गंदम का आटा लेना है 1/4 कप है, ये पूरा 1 कप नहीं है, उतनी ही क्वांटिटी में आपने मैदा लेना है। दोनों की क्वांटिटी आप डबल भी कर सकते हैं अगर आप डबल क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे ये अंगूरी पाउडर लिया है, जिसको सबनक भी कहते हैं। ये आपको हलवाई की शॉप पे आसानी से मिल जाएगी, जहाँ से भी आप सामान लेते हो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, जो जो मैं आज की वीडियो में इस्तेमाल करूँगी। तो ये 1/2 कप हमने अंगूरी पाउडर लिया है, इसके बगैर हबशी हलवा नहीं बनता, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और ये गंदम से बनाई जाती है, तो इसके अंदर हमने 1 कप दूध शामिल किया है, उसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। दूध कम है तो आपने 1 कप और शामिल कर देना है। यहाँ पे मैं टोटल 2.5 किलो दूध ले रही हूँ, तो उसी में से ये 1-1 कप करके मैं निकाल के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो आपने इसके अंदर 3 कप दूध शामिल कर देना है, इतना कि ये बिल्कुल लिक्विड से एक मिक्सचर बन जाए। तो मैंने टोटल 3 कप दूध शामिल कर दिया है और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है, इतना कि इसके लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए, गुटलियाँ नहीं होनी चाहिए, वरना सारा जो मिक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं मिक्स, लेकिन मैं वीडियो की वजह से विस्क से कर रही हूँ। तो अब हमने इसके अंदर पूरा 2.5 किलो दूध ऐड कर दिया है, ये वही दूध है जिसमें से हम 3 कप हमने निकाल लिया है। तो ये सारा ऐड कर देंगे। अब आपने इसको चूल्हे पे रखना है, पहले आपने इसको चूल्हे पे रख के मिक्स नहीं करना, फ्लेम को आपने हाई पे रखना है और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करते जाना है। अगर यहाँ पे आपने इसको मिक्स नहीं किया तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ये जो ये ऊपर पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये अंगूरी पाउडर के हैं। तो हाई फ्लेम पे अब आपने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है, जब तक उबाल आने वाला है। तो हमने यहाँ पे 1 कप जो है वो नीम गर्म पानी लिया है, उसके अंदर हमने 1/2 टेबल स्पून जो है वो फिटकरी ऐड की है, जो कि हर घर में अवेलेबल होती है। और यहाँ पे हमने 1 टीस्पून टाटरी ली है। तो हमें बेसिकली दूध को फाड़ना है। जो लोग बोलते हैं कि इसके अंदर लेमन जूस ऐड करके इसको फाड़ लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसकी खटास आती है फिर पूरे हलवे में, और आपका हलवा जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और वो दाना नहीं आ पाता जो हमें बेसिकली हलवाई स्टाइल में बनाना होता है ना, वो दाना इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपने इसको फिटकरी के बगैर नहीं फाड़ना। जैसे ही दूध में उबाल आना स्टार्ट हो तो आपने ये फिटकरी वाला मिक्सचर ऐड कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, सारा एकदम से ऐड नहीं करेंगे। अभी मैंने 1/2 ऐड किया, तो देखिए ये फटने लगा है बिल्कुल, लेकिन अभी बिल्कुल एकदम से नहीं फटा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करूँगी। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने दूसरी दफ़ा में ऐड किया तो ये पूरा फट गया। जैसे इसका पानी अलग हो जाएगा तो इसका मतलब है बिल्कुल अच्छे तरीके से ये दूध फट गया है। देखिए इस तरह से ये मोटा दाना आएगा तो ये अच्छे की पहचान है, इसका मतलब आपका हलवा अच्छा तैयार होगा बनके। तो देखिए जैसे ही दूध फट जाए आपने स्टॉप कर देना है, बाकी का मिक्सचर ऐड नहीं करना। देखिए मैंने सारा ऐड नहीं किया, ये थोड़ा सा बच गया, तो मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी इसको, जितनी ज़रूरत हो उतना ही ऐड करें। अब फ्लेम को आपने बिल्कुल हाई कर देना है, अब हम इसको हाई फ्लेम पर खुश्क करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको 5 मिनट पकाऊँगी, 5 मिनट बाद आपको दिखाना है कि क्या करना है। देखिए इसके अंदर उबाल आ गया है, तो आपने अब इसको 5 मिनट बाद जो है वो हरी इलायची शामिल करनी है, 4 से 5 ली हैं जिनको मैंने इस तरह से खोल लिया है। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, इस पॉइंट पे आपकी मर्ज़ी है। अब आपने इसको मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है और आपने इसको पकाना है। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पर छोड़ दें और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चला सकते हैं। तो इसके बाद आपने इसके अंदर साथ ही चीनी ऐड कर देनी है। चीनी मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ली है, क्योंकि हम इसके अंदर ग्लूकोज भी ऐड करेंगे जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। चीनी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो देसी घी लिया है, आप नॉर्मल वाला भी ऐड कर सकते हैं, ये मेरा प्योर देसी घी है क्योंकि मैंने ये घर में ख़ुद बनाया है, तो आपकी मर्ज़ी। वैसे भी थोड़ी सी क्वान्टिटी में ऐड होता है तो क्यों ना हम देसी घी ही ऐड कर दें और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो देखें इसके अंदर जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो अब आपने इसके अंदर ग्लूकोज शामिल कर देना है, जो कि इस फॉर्म में है मेरे पास। तो ये भी 250 ग्राम ऐड करेंगे, जो उसके अंदर तार बनते हैं वो इसी से बनते हैं, तो ये लाजमी ऐड किया जाता है।
तो यहाँ पे ये हलवाई की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा, ये तीनों चीज़ें आपको एक ही शॉप से मिल जाएंगी। आगे एक और चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि आपको हर कोई नहीं बताता। तो आपने 250 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर देना है और चीनी, दोनों को मिला के अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपको कम लगे चीनी तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हाफ क्वान्टिटी में रह गया है मिक्सचर, तो आपने इसके अंदर ब्राउन फूड कलर ऐड करना है। जो लोग बोलते हैं ना कि ये पकता रहेगा और इसके अंदर कलर आ जाएगा, ये सब बिल्कुल नहीं होता, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जो कि असल रेसिपी है उसके अंदर ये फूड कलर ऐड होता है, ब्राउन फूड कलर। ये तीनों चीज़ें आपको एक ही शॉप से मिल जाएंगी। जो लोग बोलते हैं कि आप इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर दें या फिर कुछ भी, ऐसा नहीं बताते कि इसके अंदर कलर आ जाए, तो आपका जो मिक्सचर है वो वाइट ही रहता है। तो कोको पाउडर कभी भी ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि उससे बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ, ब्राउन फूड कलर, ग्लूकोस और जो अंगूरी पाउडर, ये आपको तीनों एक ही शॉप से आसानी से मिल जाएंगे, बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये। तो आपने फूड कलर इतना ऐड करना है कि ये आपका डिज़ायर कलर आ जाए, जिस तरह से आपको चाहिए बिल्कुल सेम वही कलर आ गया है जो कि हलवाइयों की तरह होता है। अब इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है जायफल जावित्री का पाउडर, ये हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मेन इंग्रेडिएंट है, इससे सारा फ्लेवर आता है, जो खुशबू आती है ना वो बिल्कुल इसी से आएगी। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे बिल्कुल परफेक्ट, जो खुशबू होती है ना इसकी, टेस्ट फ्लेवर सब इसी से आएगा। तो ये आपने लास्ट में एंड में ऐड करनी है जब मिक्सचर खुश्क होने वाला हो। फिर आपने 2 से 3 टेबल स्पून वापस से घी ऐड करना है, देसी घी ही ऐड किया है मैंने, आप नॉर्मल वाला भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको इतना पकाना है कि सारा जो है मिक्सचर एक जान हो जाए और ये साइड से इसकी क्लीन हो जाए। साथ ही हमने यहाँ पे, मैंने आपको शुरू में बताया था इसको अखरोट का हलवा भी कहते हैं, तो हमने इसके अंदर हाफ कप जो है वो अखरोट शामिल कर दिया। आप बादाम पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं लेकिन अखरोट इसके अंदर बहुत मज़े के लगते हैं। तो हाफ कप ऐड किए, थोड़े से बचा लिए गार्निशिंग के लिए। तो ये इस पॉइंट पर ऐड करके जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी परफेक्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मा की रेसिपी है और उन्होंने बाकायदा इसकी एक क्लास भी ली थी हलवाई से। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। अगर आप पहली दफ़ा कुकिंग कर रहे हैं और मेरी रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट हलवा आसानी से घर में बना सकते हैं। देखें, इसने साइड्स जो है वो अपनी छोड़ दी हैं, तो हलवा बिल्कुल तैयार हो गया। अब फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसको जल्दी जल्दी ग्रीस की हुई ट्रे में ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, जैसे कि राउंड शेप में कोई भी पैन हो, आप उसके अंदर भी इसको जमा सकते हैं। तो आपने इतना मिक्सचर ऐड करना है इतनी जगह पे जितना आपको मोटा चाहिए। तो मेरे जो ट्रे है वो बिल्कुल परफेक्ट है इतने मिक्सचर के लिए, तो मैं सारा एक साथ ऐड कर दूंगी और इसको स्क्रैपर से या किसी भी चीज़ से आपने इसको प्रेस करके कर देना है। तो मैंने स्क्रैपर में जो है ना वो पहले से ही घी लगा लिया था ताकि चिपके नहीं। अगर आप चाहे तो स्पून से कर ले या किसी भी प्लेट से कर ले, उसमें घी लगा लीजिएगा पहले। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर तार किस तरह से बन रहा है, जिस तरह से ये छुई छुई सा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही देखें बन के तैयार हुआ। ये सिर्फ ग्लूकोज की वजह से हो सकता है। आप सोचेंगे कि इसकी कटिंग कैसे होगी, तो इतना सॉफ्ट है, तो आपने इसको अभी 2 घंटे रखना है। 2 घंटे में ही आप देखेंगे ये ग्लूकोज की वजह से बिल्कुल सेट हो जाएगा, और मैं आपको इसके पीसेस भी कट करके दिखाऊंगी। अब आपने मिक्सचर को अच्छी तरह से फैला लेना है, जल्दी जल्दी करना है, गरम गरम में ही, वरना ये सेट होने लग जाएगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो देखें, इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको फैला लेना है। अब यहाँ पे थोड़े से मैंने अखरोट जो है वो बचा लिए थे, तो ये हम ऊपर से ऐड करेंगे, बारीक चॉप करके ऐड कीजिएगा। तो ये ऊपर से लगा देंगे, आप बादाम पिस्ते जो आपको दिल करे वो आप इसके अंदर लगा लें। इनको भी अच्छी तरह से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि इसके साथ ही सेट हो जाए। अब आपने इसको 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है, फ्रिज में इसको बिल्कुल नहीं रखिएगा। अगर आप चाहें तो रात में बना लें और ओवरनाइट रख दें, सुबह इसके पीसेस कर लें, आसानी से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो 2 घंटे में भी इसको सर्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो 2 घंटे देखें इसको हो चुके हैं सेट हुए हुए। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊँगी, देखें बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, और ये घी की बहुत अच्छी खुशबू आएगी अगर आप देसी घी ऐड करेंगे। ये देखें आप, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। कटिंग करने में आप देखेंगे बिल्कुल भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है कि पीसेस ना हो। तो अपनी पसंद से आप लोग इसके पीसेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी 2.5 किलो दूध का ही बनाएं, आप कम क्वांटिटी में बना सकते हैं, या आप चाहें तो ज़्यादा मेहनत लग रही है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। वैसे इतनी मेहनत है नहीं, बस आपने दूध फाड़ के इसको
कुक करना है और मुस्तकिल चमचा भी नहीं चलाना है, आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाना है, तो ये परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें और इसको इन्जॉय कर सकते हैं। ये एक हफ़्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैंने भी इसको बना के रख लिया और हर थोड़ी देर बाद मैं इसको खा रही हूँ कि इतना मज़े का बना है। अब ये देखें आसानी से पीस निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग बनाएं, मुझे फीडबैक दें। फीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे भी शो हो जाएगा। तो ये देखें परफेक्ट हमारा हबशी हलवा या फिर सोन हलवा बन के तैयार हो गया है, परफेक्ट बना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से तैयार हुआ है। ये देखें बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनके तैयार हुआ है। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। जब आप इसको बनाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़बरदस्त बना है और बिल्कुल दानेदार है। तो ये थी हमारी आज की सोन हलवे की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो आप लोगों के लिए बनाती हूँ। इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए करती हूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।